हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। तो गाइस, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी रिसेंटली बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट के बारे में। तो जो लोग भी वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देख लें एक बार, क्योंकि इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं वहाँ पर, मतलब मैंने अपने मेरे पापा के लिए बोला गया था, तो मैंने YouTube पे सर्च किया तो किसी ने, मतलब एक ही वीडियो पड़ी हुई थी इस बाबा के बारे में, ऐसी कि इस पे ट्रस्ट ना करें, किसी ने भी उसके बारे में मुँह नहीं खोला है। हाँ, अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे उस बाबा के बारे में। तो मैं आपको जो सच्चाई है वही बताऊँगी, मेरी कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अब जो साइड में फ़ोटो देख रहे हैं वो बाबा बालकनाथ की है। कहते हैं कि बचपन से ही इन्होंने जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा और ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो बाबा बालकनाथ है, ये नजफगढ़ नांगलोई के रोड पे की साइड पड़ता है। तो मैं तो एक ही बार गई हूँ, मेरी शादी हो गई है तो मेरे जाना तो पॉसिबल नहीं था पापा को लेके, तो घर वाले ही जाते थे। तो जब मैं एक बार गई तो मैं तो एक ही बार में मतलब रोने लग गई थी वहाँ पे जाके। एक तो बहुत दूर है, बहुत अंदर जाके घूम घूम के जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी, मतलब जैसे कि इस बाबा का चैनल है स्वस्थ विचार करके यूट्यूब पे, तो मैं सोच रही थी कि ये बहुत बड़ा बाबा होगा, लाइक बाबा रामदेव, इससे मिलना बड़ा कठिन होगा और मतलब अच्छा इलाज करता होगा। बट मेरे पापा 15 दिन भी दवाई नहीं खाई और इस दुनिया से चले गए। अभी 1/8/2023 की बात है, इसी मंथ की बात है। सबसे पहले तो अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पहले आप अपने पेशेंट की कंडीशन देख लीजिए कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है। मेरे पापा की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उनकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बहुत वीक थे। बट हमने रिस्क ले लिया, हमें वहाँ ना ले जाके कहीं और ले जाते तो अच्छा रहता। तो वहाँ पे गए उनको लेके, उसने नब्ज चेक की, वो नब्ज चेक करके बता देता है, बोलता है कि इसका इनका लीवर ख़राब है मेरे पापा का, और मैं एक गोली दूंगा खाने को, और अगर इससे फ्रेश हो गए तो मैं आगे का ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, अदरवाइज़ आप इनको घर ले जाना। हम लोग थोड़े डरे हुए भी थे, मैं फ़ोन कर करके पूछ रही थी पापा और मम्मी से। तो वो सुबह गए थे, उनको शाम तक फ्रेश हो गए थे मेरे पापा। तो बोलता है कि ठीक हो जाएंगे, मेरी दवाई खाओ। तो उनकी दवाइयाँ हमने ले ली वहाँ से, 15 दिन की दवाई 29,000 की थी, और उसने बोला था कि 2 दिन बाद इनको लेके आना, इनको मालिश वगैरह करेंगे पैरों की। तो दवाइयाँ जब उसने दी तो दवाइयाँ कम से कम 3 थैले भर की दवाइयाँ दी थी, और दवाइयाँ भी इतनी सारी कि मेरे पापा की जब हालत ख़राब थी, मंगलवार की दिन था, तो उनको मेरठ ले जा रहे थे जब इस बाबा से आराम नहीं मिला, तो क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने फ़ोन भी किया था घर पे कि मुझे वीडियो बना के भेजो उस बाबा की दवाइयों की, बट किसी ने फ़ोन पिकअप नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मुझे बाद में बताया। तो वरना मैं आपको उसकी दवाइयाँ भी दिखाती, बड़ी बड़ी कैने भर भर के दवाइयाँ देता है वो, जैसे गंगा जल की कैन होती है 10-10 लीटर की, 5-5 लीटर की, उनमें लिक्विड देता है, मुरब्बे और पता नहीं क्या क्या, अटरम सटरम, गोलियाँ, चूरन। और मेरे पापा को वोमिटिंग, हिचकियाँ बहुत होती थी, उनका क्रिएटिन बढ़ा हुआ था। मेरे पापा का क्रिएटिन उस टाइम 3.5 था, और ये बाबा आपको शहद भर भर के देगा, इसके मुरब्बों में हर चीज़ में शहद मिला होगा, दवाइयाँ शहद से खानी है, दूध से खानी है। डायबिटीज़ पेशेंट
के लिए तो बहुत ख़तरनाक है। और मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट थे, जिस वजह से उनकी किडनी लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ गया था। तो क्या हुआ कि मैं जब मंगलवार को मेरे पापा चले गए थे, फिर फ्राइडे सैटरडे को मैं अपने घर गई हुई थी। मैं भी पापा के साथ गई, मम्मी के साथ गई इस बाबा के वहाँ पे। मैंने कहा मैं भी देख के आऊँ, मैं भी चलती हूँ। तो मेरे पापा की कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो मतलब बहुत हिम्मत वाले थे, तो वो चल रहे थे, बस थोड़ा सा चलते थे जैसे कि एक छोटा सा बच्चा चलता है, फिर बैठ जाते थे। तो वहाँ पे वो लोग लकड़ी से कुछ उनके पैरों में एक्यूप्रेशर दे रहे थे, तो वो एक्यूप्रेशर दे रहे थे तो बोल रहे थे हाथ पैर चलाओ। जो उनके वर्कर होते हैं वो ये काम कर रहे थे बाबा के, तो वो इतना गंदा बिहेवियर कर रहे थे। अरे यार कंडीशन देखो दूसरे आदमी की कैसा है, जबकि मैं उनको उठा रही हूँ, फिर भी उनको सब्र नहीं था, उनको नहीं दिख रहा कि सामने वाली कंडीशन क्या है। उठो उठो, मैंने पापा को उठाया बड़ी मुश्किल से और मैं बहुत रोई। एक तो उनकी हालत ख़राब, उनके से चीटी चलती है ना, ऐसे चल रहे थे और मैं बहुत रोने लग गई। मेरी मम्मी ने पूछा भी, मैंने बोला कुछ नहीं, पापा की हालत नहीं देखी जा रही। फिर वो बाबा आया 3:30-4 बजे, वो नीचे मतलब ऊपर रहता है, नीचे उतर के आता है। मैंने देखा वो बाबा, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत एजुकेटेड होगा, बहुत अच्छे से बात करेगा। ठीक है, वो बाबा आया, धोती येलो कलर की पहन रखी थी, भागे जा रहा है कभी इधर कभी उधर। तो मैंने सोचा कि बाबा से बात करती हूँ, बाबा क्या कहे, हाथ जोड़ लेती हूँ, मेरे पापा को ठीक कर दो। क्योंकि मैंने बहुत सुना था, मेरे रिलेटिव्स में कुछ लोग ठीक हो गए थे, लेकिन वो बाबा तो भाई बात करने को तैयार ही नहीं था, बहुत मुंडी बाबा है। मैंने बोला बाबा जी मेरे पापा को वोमिटिंग बहुत हो रही है। अच्छा, हमने ये 51C कुछ ऐसी दवाई बताई, वो दे देना, वो दे रखी है। फिर चला गया एकदम से, ये नहीं कि एक मिनट सुन ले। फिर दोबारा मैं उसके पीछे पीछे गई, मैंने कहा बाबा मेरे पापा को हिचकियाँ बहुत आ रही हैं, अच्छा ये वाली दवाई दे रखी है, ये दे देना। फिर भाग गया, मैं तो उससे कोई बात ही नहीं कर पाई, मतलब बात करने को राजी ही नहीं था बाबा। बाबा जबकि उस दिन इतने पेशेंट भी नहीं थे, मुश्किल से 7-8 पेशेंट होंगे। वैसे तो वहाँ पे लोगों को आराम भी मिल जाता है, ये भी देखा है मैंने। मैं ये नहीं कह रही कि बाबा बहुत ढोंगी है ये है, लेकिन आप अपने मरीज की कंडीशन देख के ही जाए। जो गलती हमने करी वो आप ना करें। दूसरी बात, उस बाबा का वो घर है, आश्रम है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बाबा 29,000 की तो उसने दवाई दी थी जब एक्यूप्रेशर देने के लिए जाते थे, तब उसने फिर से 4-5 हज़ार रुपये की दवाई दी थी 15 दिन की, मतलब 35,000 की दवाई लगभग बैठ गई थी। तो पहले तो आपकी जेब में खूब सारा पैसा होना चाहिए जो आप उस पर जाएँ, नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है। दूसरा, बाबा ढंग से बात नहीं करता है। तीसरी बात, मुझे जो बहुत गंदी लगी जब मैं अंदर गई, मुझे लगा इतना फेमस बाबा है, इतना पैसा कमा रहा है, क्योंकि मैं जितनी कमेंट्स पढ़ती थी सब में लिखा होता था कि बाबा बहुत ढोंगी है, बहुत पैसा लूटता है। तो मुझे लगा इतना पैसा कमा रहा है तो भाई अच्छी चीज़, अच्छा घर या जो भी है आश्रम बना रखा होगा। तो जब हम अंदर एंट्री की, मैंने बाहर से तो अच्छा लग रहा था, ठीक था, वहाँ पे इतना मतलब इतनी गंदगी थी, मिट्टी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी फर्श पे, ऐसा लग रहा था कि झाड़ू पोछा भी नहीं किया गया, जबकि हम शाम को 3-4 बजे करीब पहुँचे थे और वहाँ पर बहुत धूल मिट्टी थी, पानी फैला हुआ कहीं, पानी के पास साफ सफाई नहीं, और अजीब सा जैसे घुटन सी होती है ना, ऐसा लग रहा था। एक टीवी लगा रखा था, उसमें अपना स्वस्थ विचार वाला चैनल चला रखा था,
फिर वहाँ पे वॉशरूम मेरे को जाना था, मैं गई तो मुझे 4-5 दिन तक ऐसे फुर्रियाँ चढ़ रही थी, इतनी गंदगी थी, किसी में तो गेट भी नहीं था, बहुत गंदा मतलब गंद मचा रखा था। तो वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जिनको आराम मिल रहा था, कुछ लोग वहाँ रह भी रहे थे जिनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। तो भाई वो बाबा दवाइयाँ आपको भर भर के देगा, उस बाबा की दवाइयाँ खा सको तो ही जाना। मेरे पापा को हॉस्पिटल में मना कर दिया था वैसे तो, कि वो नहीं ज़्यादा चल पाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल थे, हम इस बाबा पे चले गए तो वो बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि एक पेशेंट का मरीज वो शहद खा रहा है, शहद के मुरब्बे खा रहा है, शहद से दवाइयाँ खा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा को देख लें अगर आप इस पे जा रहे हैं तो। मैंने तो अपने पापा को खो दिया, बहुत लोग कमेंट करते थे, मतलब देखी मैंने कि मैंने अपने पापा को खो दिया, एक हफ्ते में खो दिया। मेरे पापा को तो बेचारे दवाइयाँ भी नहीं खा पा रहे थे, पर खिलाते थे हम लोग ज़बरदस्ती, खाओ खाओ। मेरे पापा की रिपोर्ट जब देखी तो उनका 2 दिन पहले, जैसे वो ट्यूसडे को ख़त्म हुए थे, शायद सैटरडे को संडे को उनका टेस्ट कराए, तो उनका क्रिएटिन जब हमने ट्रीटमेंट कराया था तो 3.5 था, फिर हमने जब कराया तो उनका क्रिएटिन 5.5 आ गया था। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, यूरिया आई थिंक 14-15 होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, वो 292 था, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फिर हम उनको ट्यूसडे को ले जा रहे थे, मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरठ में बताया था किसी ने, तो वहाँ हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाए, रास्ते में ही चले गए। तो बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि जिनको भी किडनी लीवर की दिक्कत है वो सही जगह पे इलाज कराएं। हमने अपने पापा पे बहुत पैसा खर्च कर दिया बट उनको कहीं की दवाई नहीं लगी, और इस बाबा के पास जाके तो और मेरे पापा बेकार हो गए थे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।